श्यामामय परिसर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान हरीश साहनी जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष श्रीमान सुनील भारती जी, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्री गगन झा जी और इस लोकसभा के प्रभारी श्रीमान राम कुमार झा जी हम लोगों के साथ हैं और तमाम एनडीए के इस संसदीय क्षेत्र ही नहीं पूरे जिला के कार्यकर्ता काफी ओतप्रोत एनडीए प्रत्याशी घोषणा के बाद आप देख रहे हैं। मेरा एक ही विषय कहना होगा, जो आज एनडीए मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाने का काम किए हैं, इस साधारण कार्यकर्ता जो पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के उपाध्यक्ष के जवाबदेही पार्टी ने दिया और आज प्रत्याशी बनाया, जो विश्वास एनडीए के हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान जी और हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास किया है मैदान के रूप में इस मिथिला के धरती पर बने और हाई कोर्ट का जो बेंच हम लोगों का सब दिन से था, जो यहाँ पर एक हाई कोर्ट का बेंच हो जाने से यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, तो इस तरह का जो विकास का काम है और रोजगार के लिए जो यहाँ पर दरभंगा के धरती पर नरसर चौर 3,500 एकड़ प्रति पड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे जो यहाँ पर भारत की सरकार आने वाले समय में इसको एक्वायर करके और यहाँ पर उद्योग कारखाना लगे और लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिले, ताकि जो पलायन यहाँ का समस्या है वो यहाँ पर दूर हो सके। तमाम मिथिलावासी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, तमाम एनडीए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया के हमारे जितने भाई हैं तो सब लगातार देखते थे, यहाँ पर प्रत्याशी स्थानीय प्रत्याशी हो, यहाँ कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया है, तो यह लड़ाई सिर्फ गोपाल जी का ही नहीं, इस समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं की लड़ाई है और करोड़ों देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का इसे मान सम्मान पार्टी बढ़ाने का काम किया है। संपूर्ण देश में पुनः एक बार 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, समस्त मिथिला उनके साथ है, समस्त बिहार से 40 में 40 सीट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से जीत करके जाएंगे और पुनः प्रधानमंत्री के रूप में भाई नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। धन्यवाद। पर मिट्टी का लाल हो, आज हमारे नेतृत्व इस बात को सकारात्मक रूप में लिया और मुझे प्रत्याशी बनाया। हम तमाम अपने एनडीए घटक दल के नेताओं को अपने तरफ से प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से विश्वास आप लोगों को भी दिलाना चाहूँगा, जो कहीं कोई कोर खाट नहीं होगा, जो इस मिथिला का मान सम्मान के लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगा मैं दूंगा और मिथिला का जो पाग धरोहर है इस पाग का लोकसभा संसद में फिर हम यहाँ का वेशभूषा और यहाँ का भाषा को निश्चित रूप से सदन में प्रदर्शन करने का काम करूंगा, यदि श्यामा माई की कृपा हो और हमारे यहाँ पर भाई बंधु जितने हैं सब का आशीर्वाद मिले, तो निश्चित मिथिला का
हम एक बेटा के रूप में यहाँ पर आप लोगों को आश्वासन देना चाहेंगे, जो मिथिला के बेटा के रूप में जो पार्टी ने विश्वास किया है, प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है, एक कार्यकर्ता साधारण